IPL शुरू होने में अब कुछ ही दिनों का समय रह गया है। सभी टीमें इस सीजन की तैयारियों में जुट गई है। इस साल पहला मुकाबला गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 31 मार्च को खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस की टीम ने पिछले साल हार्दिक पांड्या की कप्तानी में IPL का खिताब जीता था। हार्दिक ने बतौर कप्तान अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में हार्दिक लंबे समय तक गुजरात के कप्तान बने रहेंगे। लेकिन इसी बीच गुजरात टाइटंस के क्रिकेट डायरेक्टर विक्रम सोलंकी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो हार्दिक की टेंशन को बढ़ा सकता है। विक्रम सोलंकी का मानना है कि भारत के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल की क्रिकेट की समझ बहुत अच्छी है और वह भविष्य में गुजरात टाइटंस की टीम के कप्तान बन सकते हैं। गिल पिछले 6 महीने से भारतीय टीम का अहम हिस्सा बने हुए हैं और इस बीच उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक लगाना भी शामिल है। उन्होंने पिछले साल गुजरात टाइटंस को IPL खिताब दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। हार्दिक पांड्या का लगातार दूसरे सत्र में गुजरात टाइटंस की अगुवाई करना तय है, लेकिन टीम प्रबंधन गिल को भविष्य के कप्तान के रूप में देख रही है। सोलंकी ने गुरुवार को वर्चुअल मीडिया सेशन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि शुभमन के अंदर एक लीडर छिपा है और वह काफी जिम्मेदारी लेता है। मेरे हिसाब से यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके नाम के आगे कप्तान होने का चिन्ह लगे होने पर ही आप अपनी भूमिका निभाओ। शुभमन ने पिछले साल भी खेल के प्रति अपने प्रोफेशनल खेल के कारण लीडर की भूमिका निभाई थी। सोलंकी ने आगे कहा कि क्या मैं ये सोचता हूँ कि शुभमन भविष्य का कप्तान होंगे, तो हाँ निश्चित तौर पर, लेकिन इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। शुभमन के अंदर टीम को लीड करने के गुण हैं। वह बहुत परफेक्ट है और काफी टैलेंटेड है। उसके पास बहुत अच्छा क्रिकेटिंग दिमाग है और हम शुभमन के साथ चर्चा जारी रखेंगे और जो भी फैसला करेंगे उसमें उसकी राय जरूर लेंगे। इस साल गुजरात की टीम बतौर डिफेंडिंग चैंपियन मैदान पर उतरेगी।